तो दोस्तों यहाँ पर जो तैयारी बन चुकी है और विपिन खा रहा है, देखो हम लोग हाँसी खा रहे हैं, करी लग रही है ना बहुत ज्यादा, आज तक मैंने खाई ना सही में। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग आ चुके हैं आलू के खेत में, यहाँ से हम लोग जो आलू निकालने वाले हैं, आलू निकालेंगे, सब कुछ ताजी ताजी होने वाला है। यहाँ से आलू निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह से आलू जो है निकल चुका है, निकाल लेते हैं। कितने आलू चाहिए होंगे हम लोगों को? 4-5 आलू काफी होंगे। अरे बहुत है, खुदाई जा रही है, खोदो विपिन भाई खोदो। खोद रहे हैं भैया, तो ये अपना ही खेत है दोस्तों, ये मत सोचना कि हम लोग चोरी कर रहे हैं, तो ये खेत ही अपना ही है, ये सब कुछ खेत अपनी है, जितने खेत है साइडों में सारे अपने। अरे आलू भी तो मिल जाए, कहाँ है आलू? नीचे है, तो मतलब हमारे लिए काफी हो चुके हैं, 5-6 आलू हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर 6-7 आलू हो चुके हैं, मतलब हमारे लिए काफी है, इतने खाएंगे हम लोग। हाँ तो अब चलते हैं अपना सब्जी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आप गोभी लेने के लिए, तो यहाँ पर देखिए खेत के बराबर में ही गोभी का खेत भी है, और ये भी गोभी विपिन भाई की है, एक ही पेड़ काफी है, बस इतना ही काफी है भाई। चलो अब इसको काट के धो के डालते हैं अपनी साइडी में। हाँ छोटे छोटे पीस करना है ना, साइडी बहुत ज्यादा तगड़ी बनने वाली है। अरे भाई क्या बात कह दी, अब तो मजा आ जाएगा। चलो तो दोस्तों यहाँ पर काट रहे हैं हम लोग धनिया, और धनिया एकदम ताजी, एकदम हरा हरा है ना विपिन? सब कुछ हरा हरा ताजी, सब कुछ आलू भी ताजी थे, और ये धनिया भी ताजी है, ताजी में ही तो मजा है वैसे, तो ताजी डालेंगे, ताजी में रोला है। और विपिन भाई जलीली बड़ा बड़ा धनिया छाट रहे हैं, बना के खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग अपना खाना बनाने के लिए जो है यहाँ पर एक चूल्हे का आविष्कार कर रहे हैं, और चूल्हा जो मिट्टी का नहीं ईंटों का होने वाला है। तो यहाँ पर विपिन भाई जो है चूल्हा बना रहे हैं, और चूल्हे के लिए हम लोग ईंटें जो है इकट्ठी कर ली हैं, और चूल्हा जो है हमारा यहाँ पर रेडी हो रहा है। तो नजारा है कुछ इस तरह का, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं। आगे जो अच्छे अच्छे आपको ब्लॉग्स मिलने वाले हैं गांव के खाने से रिलेटेड, जो कि हम लोग लाइव बनाएंगे और लाइव खाएंगे केले के पत्ते के ऊपर। तो ब्लॉग को जो है कंटिन्यू करते हैं, चूल्हा जो है बन चुका है, ईंटें रखी और कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई की जगह चढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पर चाय बनाने वाला बर्तन, जिसमें बनाएंगे हम लोग तैयारी अपनी। तो यहाँ पर जो हमारा चूल्हा जो सही बैठा नहीं है, सेट कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग लकड़ी कलेक्ट कर रहे हैं, और इसकी मदद से हम लोग जो आग जलाने वाले हैं, आग जला के बनाएंगे गरम गरम ताड़ी, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं अपने हाथ से खाना बना के कैसा लगता है और कैसा टेस्ट आता है, और जो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। तो लकड़ी कलेक्ट हो चुकी है, उस हम लोग जो है इसको जलाएंगे और आग लगाएंगे। तो यहाँ पर जो थोड़े से पत्ते डाल दिए, और यहाँ पर जो हम लोग माचिस से इसमें आग लगा देते हैं, और अपने जल्दी से चूल्हा तैयार करते हैं, क्यों विपिन भाई? तो यहाँ पर जो है आग जल चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो लकड़ी लगाने वाले हैं इसमें। लकड़ी डाल दी, ये चूल्हा डाल दी, चूल्हा लकड़ी हमने यहाँ पर डाल दी है। आस पड़ोस के लोग भी देख रहे हैं, वहाँ पर एक झोंपड़ी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वो झोंपड़ी है छोटी सी। यहाँ पर जो है टाइम काफ़ी हो चुका है, 4:30 बजने वाले हैं, और ठंड में 4 बजे तो शाम हो ही जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी आग जल चुकी है, तो आपको जल्दी से अच्छे से जला लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग अपना बर्तन रखेंगे, उसके बाद अपनी ताड़ी को उठाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आग जल चुकी है, विपिन भाई बर्तन रख दो जल्दी से। बर्तन रख देते हैं यहाँ पे, इस पे बर्तन भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। बर्तन रखने के बाद में इसमें मसाला तेल वेल, ताड़ी बनाने वाले हैं घी से, तेल का बिल्कुल यूज नहीं करने वाले, घी डालेंगे। तो यहाँ पर जो पानी निकाल रहा है विपिन, और इसका पानी इसमें डालेंगे, डाल दे पानी इसमें, पानी क्यों डाले, तो तेल ही तो पड़ेगा। अच्छा तेल पड़ेगा, अच्छा पानी बाद के लिए, अच्छा 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 लकड़ी डालो उसमें, और घी हमारा इसके अंदर है, तो घी निकाल लेते हैं इसके अंदर से। तो ये रहा हमारा इसमें देसी घी, लो विपिन भाई डालो इसमें, रोला काट दो, डाल रहे हैं भैया। तो यहाँ पर जो घी डाल दिया है, और घी हमारा गर्म हो रहा है, इसका हम लोग इसमें क्या डालेंगे? इसके बाद में इसमें पड़ेगा जीरा, जीरा डालेंगे। तो हमारा घी गर्म होने देते हैं, तो जीरा निकाल लो विपिन भाई। तो यहाँ पर जो जीरा डाल दिया है, और जीरा पड़ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर जो जीरा भून लेते हैं, प्याज काट लेता हूँ। हाँ तो जल्दी से विपिन जो है प्याज काट रहा है, प्याज को काटने में इसको धो के हम लोग जो है इसके अंदर डालेंगे, जब तक हमारा जो है जीरा भून रहा है, जब तक हम लोग जो है प्याज को काट लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज कट रही है, तो विपिन भाई कितनी प्याज डालने वाले हो यार? वही 1-2 प्याज डालेंगे बस। तो 1-2 प्याज को हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से काट लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा जीरा गर्म हो रहा है उसके अंदर हम लोग इसमें प्याज को डाल देंगे। तो प्याज को भूनना पड़ेगा, और देखो मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, नीचे ही बैठा हूँ। मजा आ रहा है, मतलब फुल देहाती रोला चल लिया है। फुल मजा आ रहा है भाई, आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। तो प्याज जो यहाँ पर कट चुकी है, थोड़ा पानी क्यों? पानी हाथ बाथ धोने के लिए चाहिए ना। अच्छा हाथ धोने के लिए पानी चाहिए। तो दोस्तों हमारा जीरा भून चुका है, डाल दी प्याज, डाल दी इसमें, प्याज डाल देते हैं इसमें, प्याज को भूनते हैं, उसके बाद मसाला वगैरह भूनते हैं सब कुछ। भाई अपनी ताड़ी आलू काट के, बढ़िया बढ़िया, भून को भून भाई, प्योर घी में बन रहा है भाई, देसी घी में मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। लकड़ी को तेज करो, लकड़ी को बढ़ाओ और डालो लकड़ी। ला मैं प्याज को भूनता हूँ फिर, जब तक तू आलू काट ले। हम लोग जो है आलू निकाल लिए अपने खेत से, उसमें हम लोग आलू को जो है जल्दी से काट लेते हैं। और ये है धनिया हमारा, धनिया बोरा हमारा, ताजी धनिया बिल्कुल, हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। हाँ हरी मिर्च का तो मजा ही है यार। तो यहाँ पर जो हम लोग हरी मिर्च का यूज करने वाले हैं, और हरी मिर्च हाथ के हाथ इसमें काट काट के डालेंगे। 3 हरी मिर्च लिए विपिन?
तीन ही काफ़ी हैं। तो भाई हरी मिर्च से जो है टेस्ट बढ़ जाएगा इसका, और जब तक मैं इसको भून भी लेता हूँ। यहाँ पर जो हमने तीनों की तीनों हरी मिर्च इसमें डाल दी हैं, और मसाला भी हमारा जो है भून चुका है। अब मैं यहाँ पे तू वो भून और हाँ। मैं इसका मसाला बनाता हूँ। जल्दी से मसाला बना दे एकदम बढ़िया करके, मज़ा आना चाहिए यार ताड़ी में। हमारी आग भी जोरों शोरों से चल रही है। चलो चलो चलो, अब मसाले में क्या क्या विपिन? मसाले में हल्दी मिर्च मसाला और क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मसाला हमारे यहाँ पर ये भून चुका है भाई, जल्दी जल्दी करो थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, तो यहाँ पर हमने जो है एक चम्मच हल्दी भी डाल दी है। हल्दी कम तो नहीं लगी? हल्दी और डाल, कम है मेरे हिसाब से, और डाल देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने जो है डेढ़ चम्मच हल्दी का यूज़ किया है, और उसके बाद मसाला डालेंगे ऊपर से। अच्छा भी डाल दे। अच्छा अच्छा, तो आप लोग अब नमक डाले इसमें? नमक ऊपर से डालेंगे इसी। अच्छा, नमक भी ऊपर से पड़ेगी, चल ठीक है। और इसके बाद में इसे भूनते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है हल्दी और मिर्च के साथ जो है इसमें पानी मिक्स कर लिया है, और एक तरह से घोल तैयार कर लिया है। तो इस घोल को जो है हम लोग डाल देंगे इसके अंदर, और यहाँ पर जो हमारा ताड़ी का एकदम पेस्ट रेडी हो चुका है। कर्रा लग रहा है ना? आग जल रही है, आराम से जल रही है, जल लंदे कोई बात नहीं, भूनन दे आराम से। अच्छा, मुझे आलू धोने हैं। तो यहाँ पर जो है लकड़ी हम लोग और यूज़ कर रहे हैं, और लकड़ी को इसमें जो है डाल देते हैं। तो ये रहे हमारे आलू, और आलू को जल्दी से हम लोग धो लेते हैं, और उसके बाद आलू को जो है जल्दी से काट लेते हैं। तो विपिन भाई, आलू को लंबा काटोगे या गोल गोल काटोगे या कैसे काटोगे? आलू को काटेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब स्क्वायर शेप में जो होता है। चलो चलो जल्दी धो लो और इसको काट लो। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे आलू धुल चुके हैं, आलू धोते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आलू धोते हुए मजा आ रहा है। तो आलू एकदम चिकने हैं भाई, फ्रेश ताजी आलू है, बहुत ताजी, सब हर माल ताजी है। चलो अब यहाँ पे इनको काट लेते हैं। ये लंबा काटेगा कैसे? ना ना, देख तरह तुम्हें कैसे काटूंगा। अच्छा, तो ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके। हाँ सही सही सही, उसके बाद ऐसे करके। अच्छा, मतलब इसके पीसेस छोटे छोटे है ना। सही है सही है, बहुत से लोग लंबे भी डालते हैं, बहुत सारे लोग मजा ना आता उसमें, मैं ना खाता है, इसमें ज्यादा मजा आता है। जल्दी गल जाएंगे आलू। यहाँ पे कट चुके हैं, एक आलू और बचा है। उसके बाद में फिर इसको कढ़ाई में डाल के छोंक के, उसके बाद हमारी बन जाएगी ताड़ी, और फिर हम खाएंगे ताड़ी, वो भी केले के पत्ते पे घी डाल के। और यहाँ पर जो रात भी होने वाली है, मतलब कुछ टाइम में रात हो जाएगी, तो देखते हैं हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं रात तक, है ना। अरे बनाएंगे, रात नहीं होने देंगे, टेंशन ना लो। वैसे रात में भी अगर बन जाएगी तो भी कोई दिक्कत ना है? ना ना, रोला अपना घर ही है। हाँ, अपना घर इधर ही आसपास में। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करने वाले, कितना मसाला आई? मसाला गरम मसाला, गरम ओरिजिनल वाला। तो यहाँ पर जो हमने आधी चम्मच गरम मसाला डाल दिया, जो कि अपने घर का एकदम प्योर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आलू डाल देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो हमारा पूरी तरीके से जो मसाला है वो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग जो है अपने आलू इसमें डाल देते हैं। मैं पकड़ लूँ? डाल दे सारे, डाल दे सारे, डाल दे। तो यहाँ पर जो हम विपिन आग तेज कर, यार मजा ना आ रहा, आग चला दी फुल ऊपर तक चलन दे आज। जो हमने सारे के सारे आलू इसमें डाल दिए हैं, और आग जो हल्की हो चुकी है, और आग को थोड़ा तेज करते हैं। आग का तेज हुई है, झूठ बोल लिया है। हो रही है तेज। अच्छा हो रही है, अच्छा पीछे से हो रही है, चलो होने दो। तो यहाँ पर जो आलू के साथ मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो विपिन भाई कितनी देर तक पकाओगे अभी आलू को? पहले इसमें पानी पड़ेगा, जब आलू को पानी ये उबल जाएगा ना। हाँ, उसके बाद में चावल डालेंगे। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या डालेंगे? चावल, और उसके बाद? उसके बाद धनिया डाल देंगे, जब बनने से थोड़ी देर पहले। धनिया पूरी तरीके से गल ना जाए, इसलिए धनिया का टेस्ट रहे, इसलिए इसको एंड में डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग गोभी लिया है, और गोभी को काट रहे हैं। बड़े पीस है यार, छोटे छोटे करना। छोटे करूंगा भाई। हाँ, ये ज्यादा बड़े बड़े डालना सही नहीं है, वो गलेंगे नहीं ना। फिर अच्छे से करेंगे छोटे छोटे करके। हाँ, उसके बाद में इसको धो के फिर डाल देंगे। हाँ, अपनी ताहेड़ी में। तो यहाँ पर जो हम लोग गोभी चल रही है सामने, हमारी आलू जो है उसमें पड़े हैं, आलू बन रहे हैं। जल्दी से इसको काट के और इसको धो के जल्दी से उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग गोभी का धो लेते हैं, बड़ा इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से क्लीन गोभी है यार, कतई फिल्टर गोभी है, बिल्कुल ताजी माल है, और ताजी ताजी है। अब इसमें जल्दी से डाल देते हैं। चल चल चल, डाल दे डाल दे, जल्दी डाल दे, इसमें डाल देते हैं। तो गोभी हमने इसमें डाल दी, और ये भी पक जाएगी अच्छे से। गोभी जल्दी पक जाती है ना? अरे एक भाप में हो जाएगी, पानी को फेंक देते हैं। लकड़ी पर पानी डाल दिया, गधा कहीं का। लकड़ी काफी है अपने पास। चल चल, अरे लकड़ी लकड़ी है यार, देखो वो सामने, वो लकड़ी है, वो लकड़ी है सामने, बहुत लकड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने कितना गिलास पानी लिया है? मैंने एक गिलास पानी डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देते हैं। हाँ, बस यही काफी रहेगा। तो यहाँ पर ये मान के चलो एक गिलास से थोड़ा सा ज्यादा हमने पानी इसमें यूज किया है, यही काफी है। हाँ बस, तो देखिए कितना पानी। नमक डाल देंगे थोड़ी देर में, उसके बाद में चावल चावल डालने बाकी है, और काम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। मजा आ रहा है? फुल मजा आ रहा है भाई। चलो आएंगे तब देखना कितना मजा आएगा। आग को तेज कर दे। कर रहा हूँ भाई, लकड़ी लगा रहा हूँ, करना पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा, ब्लॉग बना रहे हो तो।
तो यहाँ पर जो है हमारी आग बंद हो चुकी है, विपिन भाई फूक मार रहे हैं इसमें। यार कितना सस्ता बना कर रहा है, मेरी माचिस मेरे घर से लिया दो तीन। नहीं माचिस काफी यार, देख रहे हो कितनी कंजूसी कर रहा है माचिस तक की। लो भाई यहाँ पे आग जल चुकी है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पक रहा है, जब तक हम लोग यहाँ पर जो है नमक डाल देते हैं इसमें, नमक है ये, और मैं इसमें नमक डाल देता हूँ। नमक कितना डाल रहा है? इतना काफी है, कम कर भी ज्यादा है? ज्यादा ना, चल डाल दे ज्यादा ना, अभी चावल ही तो पड़ेंगे। हाँ ज्यादा पड़ जाएगा तो निकलेगा नहीं, और कम पड़ जाएगा तो डल जाएगा। हाँ, तो मतलब नमक को स्वाद के अनुसार डालें, और नमक कम तो चल जाता है लेकिन ज्यादा नहीं चलता। नमक तो अगर कम पड़ गया तो बाद में भी डाल सकते हैं, तो इसलिए हमने कम ही डाला है। इसलिए हमने कम नमक का यूज किया है, क्योंकि भाई पहली बार बना रहे हैं तो देखते हैं कैसे कैसे बनता है। अब क्या पड़ेगा इसमें? अब चावल पड़ लें, बाकी है और कुछ नहीं। तो दो मिनट के बाद हम इसमें जो है चावल डाल देंगे। आग को तेज कर दे, फुल कर दे, आग आग लगा दे। यहाँ पर जो है आग फुल चल रही है। तो यहाँ पर जो है चावल निकाल रहा है, फिर तू चावल निकाल लेते हैं। चल चावल इसमें डाल के, चावल धो के और फिर इसमें डालेंगे। हाँ एकदम बारीक बारीक चावल इसमें डालेंगे हम लोग। इतनी रहने? हाँ इतनी रहने, काफ़ी है। कितना होगा ये? दो कटोरी होंगी? हाँ होंगी, एक कटोरी होगी ज़्यादा। ऐसा ना हो यहाँ फेंक के जानी पड़े खाना पानी। यार क्या बात कर रहा है, आज की तारीख तो पूरी खा जाऊंगा मैं। घर पे एक रोटी खाता हूँ, यहाँ खाऊंगा 10 रोटी, टेंशन क्यों ले रहा है तू? इतने रहने काफ़ी हुए। हाँ तो यहाँ पर जो हम लोग चावल को धो लेते हैं, थोड़ा अच्छे से धोना। क्या कर रहा है? धो तो रही हूँ भैया, इसे मसल मसल के धो। चलो यहाँ पर जो हमारे चावल धुल चुके हैं, पानी डाल लेते हैं, पानी कम है। हाँ तो यहाँ पर जो चावल धुल चुके हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर अपने चावल जो है डाल देंगे। पहले इसको पानी निकालेंगे, इसका चावल का निकाल दे। तो इसका जो है विपिन पानी क्लियर कर रहा है। और धोगा क्या? एक बार और धोएंगे इसको। अच्छा एक बार और धोएंगे, बस धुप गए। अब इसको जल्दी पानी निकाल के इसको डाल ही देते हैं, क्योंकि अब हमारे आलू जो है वो हो चुके हैं। हाँ काफ़ी टाइम हो गया आलू डाले हुए। चल जल्दी डालते हैं आलू के अंदर चावल अपने। अरे गर्म हो रही है यार प्लेट, आर यहाँ पर प्लेट गर्म हो रही है। इसमें लोग अब डालेंगे चावल। लो डल गए चावल, लो जल्दी तो चावल की भूख लग रही कुछ ज़्यादा। डाल दे चावल, डाल दे जल्दी। यहाँ पे सारे चावल पड़ चुके, थोड़े से चावल रह गए, मैं इसको खा लेता हूँ कच्चे ही। पागल है क्या तू, कच्चे ना खाते हैं? चल मैं इसमें डाल देता हूँ सारे चावल, ठीक है? हाँ उसके बाद में क्या करना है? इसको ढककर पकाना है ना। हाँ और इसमें आग जलानी है पहले अच्छे से। हाँ और धनिया तो एंड में डालेंगे ना? धनिया जब बन चुकेगी उसके बाद में डालेंगे, बनने से 2 मिनट पहले। तो दोस्तों जब तक हमारा जो आलू पक रहे हैं, मसाला पक रहा है, जब तक हम लोग धनिया को काट लेते हैं। धनिया यहाँ पे धो लेते हैं पहले, और धोने के बाद में फिर अच्छे से इसको काट ले। तो छोटा छोटा करेगा, बड़ा काट रखेगा? ना छोटा छोटा पीस बनाएंगे, डंडी है इसकी, इसको यहाँ पे काट के लग डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखूँ मैं कैसे काटता हूँ, वैसे अनाड़ी हूँ मगर खिलाड़ी बनना पड़ रहा है। तो इस तरह से छोटा छोटा हम लोग धनिया को काट लेंगे। वैसे सही से कट रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं कट रहा। धनिया से तो टेस्ट है ही कर रहा, बढ़िया देसी धनिया है यार, खुशबू अलग आ रही है। विदेशी अलग होता है क्या? अरे हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आए जो है केले के पत्ते लेने, क्योंकि हम लोग केले के पत्ते पर जो है खाना खाने वाले हैं, जो कि एकदम देसी स्टाइल में होने वाला है। तो यहाँ पर विपिन भाई जो है केले के पत्ते तोड़ रहे हैं। काट दे यहाँ से इसको काट लेते। तो हम लोग जो है इसमें खाना खाने वाले हैं। पकड़। चल ला भाई पकड़ लेते हैं, एक और काट ले। एक अंदर है उसको भी काट ले भाई, वो अंदर वाला जो है ना वो काफी साफ सुथरा है, तो वो भी जो है सही रहने वाला है। यहाँ पर जो है केले के पत्ते आ चुके हैं, और इसको लेके चलते हैं हम लोग अपनी कुठरिया की तरफ। तो चलो चलते हैं। तो विपिन भाई अभी कितनी देर लगेगी पकने में इसको? बस ज्यादा टाइम नहीं, आलू तो बन चुके हैं, देख लेते हैं एक बार उघड़ के इसको। हाँ। उघड़ दिया इसको, उघड़ने के बाद में इसको पहले देख लेते हैं आलू निकाल के। आलू निकाल के इसको देख लेते हैं, आलू गल चुका है, देखो आप देख सकते। अच्छा आलू जल मत जाइए, आलू गल चुका है, चावल रह गए हैं, गोभी भी गल चुकी है, ठीक है? अच्छा मेरे हाथ जल रहे हैं यार, अब चावल बनना बाकी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट का काम है। अच्छा उसके बाद में बन जाएगी, तो हम लोग उसको खाएंगे घी डाल के। इसके साथ साथ में मेरे चैनल का भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मेरा चैनल भी है। हाँ बता दे क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है टैको एंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और दूसरा चैनल भी है मेरा, जो कि अगली वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। क्योंकि वो चैनल मैंने बनाया नहीं है, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ उसको, तो आज हम उसको रात को करेंगे, उसकी सेटिंग वेटिंग वगैरह, और नाम वाम जो रखना है हम उसको रखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सारे चैनल का लिंक मिल जाएगा भाई, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इसको घेर लेते हैं, उसके बाद में इसको चला देते हैं, और बार बार ताड़ी बनाते हैं तो बार बार इसको चलाना पड़ता है। तो ये जल जाएगी, ये नीचे लग जाते हैं। वैसे कलर तो अच्छा आया विपिन, कतई कर रहा कलर है बिल्कुल। चल ढक दे इसको जल्दी, ढक दे पकने दे। आग को तेज रखना पड़ेगा ना? अरे आर पार तेज आ गए। अच्छा सही सही, थोड़ी सी जो आग को हल्का कर देते हैं ना, आग को कम कर देते हैं, क्योंकि पानी इसमें ज्यादा नहीं बचा, चावल ही बनी चुके हैं, तो इसमें आग को कम कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में ये कम्प्लीट हो जाएगी, तो हम खाएंगे इसको गला गल। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग अब धनिया का यूज कर रहे हैं, इसमें धनिया डाल देते हैं। हाँ। धनिया डालने के बाद में इसको चला देते हैं जल्दी। हाँ। से क्योंकि हमारी ताड़ी जो ऑलमोस्ट पक चुकी है ना, और पकने वाली है, पकी नहीं पकी चुकी है। हाँ। काफी अच्छा नजारा है इसकी ताड़ी का हमारा। मतलब देखने में इतनी करी लग रही है, तो खाने में क्या मजा आएगा इसका, थोड़ी सी देर चेक करके देख। दोस्तों ये आ चुकी है, इसको चेक करते हैं। चलो चलो टेस्ट करते हैं भाई,
तो बहुत मस्त है। नमक बता, नमक, नमक बिल्कुल ठीक है, नमक मिर्च और सब चीज परफेक्ट है, बस इसको बस थोड़ा सा पकने दे, बस थोड़ी सी और रह गई है। बना कौन रहा ये देख पहले। हाँ पता है पता है। तो यहाँ पर जो एक मिनट इसको और पकाना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा खाना है पीछे पक रहा है, खाना कहाँ गया पूरा, और खाना पक रहा है, मतलब शाम ढल चुकी है, बिल्कुल ढल चुका है मौसम। हाँ, शाम होने वाली है, अभी सूरज वैसे ऊपर है। हमारे खेत हैं ये विपिन के, सब जितना आप देख रहे हैं, ये मेथी है सामने और वो पहाड़ी मेथी है, उसके पल्ली तरफ धनिया है, उसके पल्ली तरफ आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा जो साग है, उसकी पल्ली तरफ लहसुन है, उसकी तरफ वो देख सकते हैं पल्ली तरफ प्याज है, और ये आलू है। तो ऐसा कुछ नजारा है, पीछे खाना बन रहा है, मतलब काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले कभी छोटे छोटे थे तो दीदी हड़िया हड़िया में उसमें बनाते थे, तो पहले काफी दिन पहले खाया था। तो उसके बाद में हड़िया में चावल डाल के, नमक डाल के और काली दाल डाल के हड़िया में पकाते थे खिचड़ी, है ना। उसके बाद में आज ही ऐसा मौका मिला। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग अपना पत्ता धो लेते हैं, पानी तो डाल, ऐसे धो लेगा अपना पानी की, चलो इसको धो लेते हैं, और धोने के बाद में हम इस पर खाएंगे दोनों लोग। हाँ। और मतलब आज तक नहीं खाया इस पे वैसे। हाँ भाई, पहली बार खाऊंगा मैं तो, मजा काफी आने वाला है। मगर और जो खेत पर खाते हैं ना खाना, उसका तो मजा कुछ ही अलग है। ये हमारा पत्ता धुल चुका है। हाँ। अब हमारी तहरी भी कम्प्लीट ही हो चुकी है वैसे, चल निकाल ले फिर, अब इसको उतार लेते हैं। तो दोस्तों पूरी तरह से आग जो है बंद हो चुकी है, और हमारी तहरी बन चुकी है, पक चुकी है, निकाल ले इसको, उतार लेते हैं। हाँ उतार के, बहुत ज्यादा तड़प उठ रही है, जल्दी खा भाई, मेरे तो भूख के मारे आग लग रही है मेरे पेट में, जल्दी कर, एक इधर कर दे एक इधर कर दे, ले भाई भाई क्या कह दी, जल्दी दे दे, बस कर दे कर दे कर दे भाई, कलर भी कितना अच्छा आया यार, कलरफुल आया माल। चल इसको कर दे, इतनी खा लेगा। हाँ थोड़ी अपने पे कर भाई, मैं तो खा जाऊंगा आज। तो दोस्तों यहाँ पर जो तैयारी बन चुकी है, और विपिन खा रहा है, देखो हम लोग हाथ से ही खा रहे हैं, करी लग रही है ना बहुत ज्यादा, आज तो मैंने खाई ना सही में, मुझे उम्मीद नहीं इतनी करी बन जाएगी, मगर बहुत ज्यादा करी बनी है, सही कर रहा है, इतना मजा आ रहा खाने में, देसी घी से बनी है, ऊपर से देसी घी डाला है। खा कहाँ रहे हैं देख रहे हो, पूरा जंगल में खेती खेत है, काफी मजा आ रहा है भाई, अरे खेत का तो मजा ही हो रहा है, खेत के खाने का भाई, सच में पेट भर जा रहा है यार, माल बहुत है। विपिन भाई मजा आ रहा है, मजा आने बता दे खाली, तो सही बता अगला टॉपिक वीडियो क्या होने वाला है, अगला टॉपिक बनेगा अंडे बनाएंगे अगली बार, अंडे अंडे मजा आ जाएगा भाई, रवाई बनाकर देख ले कितना रोला लगेगा, चल चल चल, और रोटी लेके आएंगे घर से। हाँ क्योंकि रोटी यार, रोटी भी हमसे बन पाएंगी ना, फिर ऊपर से ब्लॉग लंबा हो जाएगा, अंडे की सब्जी बनाएंगे, और अंडे की सब्जी में बेस्ट से बेस्ट ब्लॉग बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बहुत कर रहा तू, अंडे की सब्जी खाना मेरे हाथ की, चल देखते हैं भाई, तेरे ताड़ी खाई है, ताड़ी की तरफ तारीफ तो भाई तारीफ भूल यार, खाते खाते मेरा पेट ना भर रहा है, तारीफ करूँ यार हद है। और जो अंडे बनने वाले ना वो आग लगा देंगे, बनाने वाले तेरे सामने भाई, मैं भी तो बनाऊंगा, देखने वाला कैमरा वाला। अरे तो यहाँ पर जो है विपिन भाई ने तो खा भी ली, मेरी थोड़ी रह गई, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ ना, इस चक्कर में मेरी थोड़ी रह गई है, मैंने खा ली है, मैंने हाथ धो लिए, अब मैं साइड से ये घल्ला रखा है, इससे पानी लेते हैं, पानी पी रहा है और पानी पी लेते हैं, मजा आ गया भाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग अब व्लॉग को एंड करने वाले हैं, क्योंकि अब खा लिया है, व्लॉग बना लिया है, हम लोग जाएंगे घर, विपिन के घर सोएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि होने वाला है अंडे की सब्जी, अंडे का व्लॉग। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें पसंद करें। मेरा चैनल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं भी इसी के साथ रहता हूं, इसी के साथ वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो खाना खा लिया था हमने, और यहां पर जो हम लोग जो ये मलसी आया मटका, इसको भर के रख रहे हैं, क्योंकि कल को भी फिर से व्लॉग बनाना है ना, तो ताजी ताजी पानी इसमें भर के रख रहे हैं, और मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पानी नहीं पिया है। यहाँ पर अब पानी पी लिया है, और उसका हम पूरी तरीके से अब जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, अब चलें घर पे, बर्तन धो रहे हैं, अच्छा बर्तन धो रहा है, तो अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए, और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, आपको ऐसे ही व्लॉग्स देखने हैं आगे भी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।